आप अपने सिस्टम में या आप अपने लैपटॉप में किसी भी तरह का कोई भी यूएसबी डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो और आपके सामने कुछ इस तरह का एरर्स हो रहा है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है, यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज रिलेटेड, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और आप कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, आप तब भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे पावर ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टू डिफरेंट आपको यहाँ पे प्लान्स आपको यहाँ पे मेरा शो हो रहे होंगे, बैलेंस्ड का और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का। तो अगर बाय द वे आपके यहाँ पे बैलेंस्ड वाला ये ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है, जैसे यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है बैलेंस्ड वाला ऑप्शन, तो आपको करना क्या है कि आपको बैलेंस्ड के आपको चेंज प्लान सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है, बैलेंस्ड के चेंज प्लान सेटिंग्स में। अगर आपके यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस पे अगर आपके यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है, या अगर आपके यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस भी यहाँ पे शो हो रहा है तो उसमें अगर आपके यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है, तो आपको इसके प्लान सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है, और इस ऑप्शन पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे यूएसबी सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे यूएसबी सेलेक्टिव से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे ओपन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ऑन बैटरी इनेबल्ड और प्लग इन इनेबल्ड का। अगर बाय द वे अगर आपका यहाँ पे इनेबल्ड रहता है, मैंने पहले से अगर आपका यहाँ पे इनेबल्ड रहता है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे डिसेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेता हूँ, डिसेबल कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर लेना है। अप्लाई ओके कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे कट करना है, और एक बार आपको अपने विंडोज पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपको जो यूएसबी से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको अगेन आपको पावर ऑप्शन में आपको चले जाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगेन आपको पावर ऑप्शन में आना है, और यहाँ पे यूएसबी सेटिंग्स में आपको अगेन चले जाना है, और यूएसबी सिलेक्टिव को भी अगेन आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है उसी तरह। फिर आपको यहाँ पे अब इसे इनेबल करना है, पहले आप डिसेबल किए थे, अब आपको यहाँ पे इनेबल करना है और इसे भी इनेबल कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो सिनेरियो है। सबसे पहले जैसे मैं आपको बताऊँगा, अगर आपके यहाँ पे इनेबल रहता है, अगर आपके यहाँ पे इनेबल रहता है ये दोनों ही ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे डिसेबल करना है और अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है, फिर चेक करना है कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर नहीं होता है फिर आपको अगेन यहाँ पे इसे इनेबल करना है, फिर आपको अप्लाई करना है, देन ओके कर लेना है, और आपको इसे कट कर लेना है, और एक बार आपको अगेन अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो यूएसबी सर्किट आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। हो सकता है यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, जैसे मैं आपको बता दूँ ये प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखकर आपको इन सभी स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करते जाना है, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना, तो उसी तरह रीस्टार्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जरा टाइम लगेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जरा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप बताता हूँ कि सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है। सेकेंड स्टेप में आपको करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके सिस्टम में आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले आप इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे सेकेंड स्टेप को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, या आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू को भी ऊपर आप राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे लास्ट की ओर देखोगे एंड में आप यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है यूएसबी कंट्रोलर्स का, यूनिवर्सल सीरियल बस का, तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ओपन करना है, और यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं यूएसबी से रिलेटेड, तो आपको इन सभी को एक एक करके आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करना है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपका जो ड्राइवर है, अगर बाय द वे आपका ड्राइवर अपडेट नहीं होगा या इंस्टॉल नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च होकर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है वो यूएसबी से रिलेटेड जो जेनरिक ड्राइवर है, तो यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। जैसे देख सकते हो द बेस्ट ड्राइवर फॉर यू डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड,
तो आपको करना क्या है कि आपको अब इसे क्लोज कर लेना है, फिर आपको नेक्स्ट ड्राइवर को आपको यहाँ पे अपडेट करना है, जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ सेम इसी तरह आपको इन सभी ड्राइवर को एक एक अपडेट कर लेना है। यहाँ पे मेरे से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मेरा सभी ड्राइवर ऐसे अप टू डेट है, अगर बाय द वे आपका अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे एक एक कर अपडेट करना है, जो यूनिवर्सल सिविल बस रिलेटेड जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो अपडेट कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या कि आपको अगेन आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ कि आपको यहाँ पे सभी स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उन सभी स्टेप को करने के बाद यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना ही करना है, कंपलसरी है रीस्टार्ट करना। आपको जरा पेनफुल लगेगा, आपको जरा इरिटेशन लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को अगेन आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना ही होगा। तो रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर बाय द वे इस प्रोसेस के बाद बगैर इस स्टेप के बाद अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताने वाला हूँ कि थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है। थर्ड स्टेप में आपको अपने डिस पीसी को आपको यहाँ पे ओपन करना है। डिस पीसी को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को ओपन करना है। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज़ के फोल्डर में चले जाना है। विंडोज़ के फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे INF नेम्स आपको यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करना है। तो उसका मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ फाइंड आउट करने का। आपको करना क्या है कि आपको रैंडमली किसी भी फोल्डर पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने किसी भी फोल्डर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको अपने कीबोर्ड में आई बटन को प्रेस करना है और आई से रिलेटेड जितने भी फोल्डर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा INF फोल्डर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे INF फोल्डर यहाँ पे मेरा शो हो गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। इस फोल्डर में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है WPDMTP। आपको इसे आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे एक सेटअप इन्फॉर्मेशन फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको एक फाइल देखने को मिलेगा जो सेटअप फाइल है। आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉल का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो आपको इस बटन के ऊपर वन टाइम आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज शो होगा, कंप्लीटेड सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज होगा। तो आपको इसे ओके कर देना है और आपको इसे कट कर लेना है। अब आपको एक बार अपने विंडोज़ को अगेन आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था USB से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम अब आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर इनकेस इस स्टेप को भी फॉलो करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर स्टेप बता रहा हूँ कि फोर्थ नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर स्टेप में आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज अपडेट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विंडोज अपडेट सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपनी विंडोज़ को अप टू डेट करना है। यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन शो होगा या अपडेट का भी ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेना है। अभी फिलहाल तो मेरा जो विंडोज़ है वो अप टू डेट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे अप टू डेट कर लेना है। और अप टू डेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है, मैंने अपडेट होने के बाद, मैंने विंडोज़ का अपडेट होने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा क्या है, विंडोज़ अपडेट करने से भी वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो आपको यहाँ पे एक बार देख लेना है विंडोज़ को अपडेट करके। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर स्टेप बताने वाला हूँ कि फिफ्थ नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। फिफ्थ नंबर स्टेप में आपको अगेन आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे रिकवरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रजिस्टर पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने इसे ओपन करना है, ओपन सिस्टम रजिस्टर। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को, मैंने आपको अपने विंडोज़ को आपको यहाँ पे रीस्टोर करना होगा, मैंने सिस्टम रीस्टोर करना होगा मैंने अपने सिस्टम का। तो कितने लोग को मालूम नहीं होता है कि सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर गए, तो आपका जो सिस्टम है वो आपका दो तीन दिन पीछे चला जाएगा, मैंने दो तीन दिन पास्ट में चला जाएगा, या यस्टरडे, या यस्टरडे से पहले आपका जो सिस्टम है वो शिफ्ट हो जाएगा। मैंने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने ही दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम यस्टरडे को या यस्टरडे से पहले जैसा भी था, आपका विंडोज़ जैसा भी था, वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से ही होता है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको इसे
नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा ये एक सिंगल डेट टाइम यहाँ पे शो हो रहा है, हो सकता है आपको यहाँ पे सिंगल डेट टाइम शो हो या आपको 2, 3, 4, 5, 6 और भी डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो। तो आपको करना क्या है कि आपको आज के डेट के नियरली, मैंने टुडे डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट वहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे एक सिंगल डेट ही यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इस सिंगल डेट को ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन शो होगा। तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप अपने सिस्टम को रीस्टोर कर रहे हो तो रीस्टोर करने से पहले अगर आपके सी ड्राइव में किसी भी तरह का कोई भी डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, क्रूशियल डेटा है, या कोई भी आप फाइल वगैरह आप सेव किए हो अपने सी ड्राइव में या डॉक्यूमेंट वाले फाइल में या डाउनलोड वाले फाइल में या अपने डेस्कटॉप पे भी, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उस डेटा को, उस फाइल को आप कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए। डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव भी है तो आप एफ ड्राइव में भी शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रीस्टोर होने के दौरान आपका जो सिस्टम में आपके सी ड्राइव में कोई भी आपका डेटा है, हो सकता है वो डेटा आपका रिमूव हो जाए, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए। डी ड्राइव या ई ड्राइव में शिफ्ट कर सकते हैं आप। शिफ्ट कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसमें मेरा विंडोज़ इंस्टॉल है, सिस्टम ड्राइव। तो सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम जो है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर होने में कितने लोग का क्या होता है कि 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 30 मिनट, कितने लोगों को 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर का भी टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलता है रीस्टोर करने में। अगर बाय द वे, जैसे मैं आपको बता दूँ कि बाय द वे अगर आपका सिस्टम को रीस्टोर करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है। सेकंड स्टेप ये फाइनल स्टेप है और इस स्टेप को करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाने वाला है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है, टाइप करना है, सर्च करना है रीसेट। यहाँ पर आपको अपने सिस्टम को रीसेट करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रीसेट दिस पीसी को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने रीसेट पीसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे टू डिफरेंट स्टेप, मैंने टू डिफरेंट आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर रिमूव एवरीथिंग पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम में जो भी ऐप्स वगैरह है या कोई भी सेटिंग्स वगैरह किया हुआ है आपके द्वारा आपके विंडोज़ में या आपका कोई भी पर्सनल फाइल्स वगैरह है वो टोटली आपका रिमूव हो जाएगा अगर आप यहाँ पर रिमूव एवरीथिंग पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो। तो अगर आप यहाँ पर कीप माई फाइल्स अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है या एप्लीकेशन है वही आपके यहाँ पर रिमूव हो गए। जो भी एप्लीकेशन वगैरह आप इंस्टॉल किए हैं या सेटिंग्स वगैरह किए हैं वही सिर्फ ओनली यहाँ पे रिमूव हो गए और आपके जो भी पर्सनल फाइल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, वो आपके एज इट इज़ वैसे ही के वैसे ही रहेंगे। तो जैसे आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ माई फाइल्स को। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। मैं यहाँ पे लोकल रीइंस्टॉल पे ही क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा बैटरी पावर रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। प्लग इन इन योर पीसी, मैंने यहाँ पे मेरे लैपटॉप में यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करना होगा। अगर बाय द वे आपके सामने भी कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होता है तो आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप में या आपको अपने सिस्टम जो भी है उसमें आपको पावर कनेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है रीसेट के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे रीसेट बटन पे आप क्लिक कर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को कम्प्लीटली रीसेट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो रीसेट है वो ऑटोमेटिकली होगा। आप यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी आपको यहाँ पे फीचर्स वगैरह किसी भी तरह का कोई भी आपको यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह किसी तरह का कोई भी नहीं करना है। आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट होगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि रीसेट होने में कितने लोगों का क्या होता है कि 2 आवर का भी टाइम लग जाता है, कितने लोगों को 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर तक का भी टाइम लग जाता है, वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे रीसेट होने में टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको करना क्या है कि आपको जरा यहाँ पे पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे कंप्लीटली अपने सिस्टम को रीसेट कर लेना है। और रीसेट हो जाने के बाद फिर आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है
यूएसबी से रिलेटेड वो प्रॉब्लम भी आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।